तो फाइनली आज हम लोग इंडिया से जा रहे थे नेपाल, और ये राइड आज इंडिया से घर तक होगा। ये की रिंग बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है यार ब्रेक। 1 2 3 4 भिट्टा मोड़ इधर से नेपाल, भिट्टा मोड़ 117 किलोमीटर सीतामढ़ी। अरे थार दिख रहा, बवाल लग रहा है यार, गजब लग रहा है थार। फ्री में लेंगे इंशाल्लाह एक दिन। ओ भाई कितना बड़ा ट्रक, कितना पेट्रोल खत्म हो गया। ये रहा केक, पूरा एक कार्टून। इंडिया भारत और नेपाल का गेट ऐड करके, ए बाप रे। हेलो नमस्ते, सलाम दी सासी खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली आज हम लोग इंडिया से जा रहे हैं फिर नेपाल। बाइक को कॉल स्टार्ट कर चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ पर से। सेटअप मिला देते हैं इसका, गोपड़ों का एंगल सब सही है। आस्ते आस्ते तो फाइनली निकल गए, स्कूटी निकल चुका है, और अब हम निकलते हैं पीछे से पापा। और ये राइड आज इंडिया से घर तक होगा, ये भी समझिए। अब इंडिया से हम लोग फिर से नेपाल जा रहे हैं, और अभी टाइम 12:25 हो रहा है, और हम लोग सब 2 बाइक 1 स्कूटी से निकल रहे हैं घर की तरफ। बहुत ही मज़ा आया यहाँ हम लोग मेन रीज़न शादी में आए थे, बहुत मज़ा आया। आप लोग को फ़ोटो वीडियो देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर दीजिएगा। इस रोड पे पहुंच चुके हैं, और ये की रिंग बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है यार, इसको यहाँ पर टैंक पे फंसाना पड़ेगा, बहुत उड़ रहा है हवा की वजह से। और एक स्कूटी तो आगे चला गया, पापा पीछे हैं, अम्मी जा रहे हैं आगे आगे। आप सीधा देख सकते हैं आगे पूरा हाईवे है, ये तो छोटा रोड है, बाप रे बाप। देख सकते हैं इंडिया का, देखिए ट्रिपल रोड और ना हेलमेट, बिना हेलमेट का ट्रिपल रोड। और ये शायद पुलिस गाड़ी है, किसी गाड़ी है, नहीं नहीं पुलिस गाड़ी नहीं है। वो भैया आगे जा रहे हैं स्कूटी पर, पापा पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ब्रेकर है, ए, 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 ब्रेकर नहीं है यहाँ पे। अब इधर से हम लोग लेफ्ट लेकर, इधर है ब्रेकर, 1 2 3 4 चार ब्रेकर। अब हम लोग एंड पे पहुँच गए, यहाँ पर आएगा मज़ा आएगा बाइक चलाने में। तो हम लोग आज कितना बजे पहुँचेंगे, 12:25 में निकले थे, आप देखते हैं कितना बजे पहुँचेंगे। जवाब टर्न मारने का टाइम आ चुका है, हम लोग यहाँ पर से राइट लेकर उसके बाद सीधा नेपाल की तरफ निकल जाएंगे, और ये सीधा हाईवे सामने सीधा सामने चला जाएगा मधुबनी की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर से राइट लेकर और सीधा नेपाल। बहुत मज़ा आ रहा है आज, बहुत खुशी भी मिल रहा है कि अपने देश जा रहे हैं नेपाल, वो भी इंडिया से। पापा वो आ रहे उधर, हम सदा हम भैया तो आगे निकल गए, पापा धीरे धीरे पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ से आप लोग लेकर सीधा चल जाएगा नेपाल। ये भैया रहे सामने स्कूटी पर, देखते आगे जयनगर 63 किलोमीटर, भिट्टा मोड़ इधर से नेपाल, भिट्टा मोड़ 117 किलोमीटर, सीतामढ़ी 179 किलोमीटर, और सोहरा 180 किलोमीटर। देख सकते बोर्ड, अब यहाँ से सीधा आप जाइएगा तो सीधा नेपाल बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर तक पहुँच जाइएगा आप सीधा, कहीं पर टर्न नहीं लेने का ज़रूरत है। और रोड भी देख सकते हैं कितना मस्त है, कितना मस्त लग रहा है। पूरा साइड साइड में गेहूं का खेत सब है, पूरा में गेहूं फला हुआ है, अभी फल रहा है गेहूं, और बीच में रोड, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, क्या मस्त लग रहा है, एकदम नेचुरल हवा आ रहा है। और पूरा साइड साइड में देख सकते हैं आप लोग गेहूं का खेत सब है, आदमी लोग यहाँ पर खांसी चला रहा है, सब आराम से बैठा हुआ गाछ के नीचे, ठंडक मिलता है इतना, जहाँ पर बेसी ट्री सब हुआ वहाँ पर ठंडा हवा आता है। देख सकते हैं पूरा गेहूं का खेत है यहाँ पर, अब ये धीरे धीरे फलेगा, उसके बाद सब कुछ क्या क्या उसमें होता है सब कुछ होकर उसके बाद अपने लोग के पास आएगा, अपने लोग इसका आटा बनाकर खाते, क्या क्या करते इसका। देख सकते पूरा खेत है, आम का भी ट्री सब है, ये रहा आम का, मैंगो का, और ये सब गेहूं है। और पापा भी आगे निकल गए, स्कूटी भी आगे निकल गए, हम लोग पीछे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बिजी रोड है। देख सकते आप लोग कितना कम एरिया में ये रोड है, इसलिए बहुत बिजी रोड है। अरे बाप रे बाप, थार आ रहा है सामने, अरे थार दिख रहा, बवाल लग रहा है यार, गजब लग रहा है थार पर। ड्रीम है लेंगे इंशाल्लाह एक दिन, ब्लैक कलर का थार, क्या बवाल लग रहा है यार देखने में। और शादी में गए थे वहाँ भी बुक किया था BMW और जगुआर, का हैवी लग रहा था देखने में यार, जगुआर और BMW। आप लोग को अगर फोटो वीडियो देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर स्टोरी भी देख लीजिए और मुझे फॉलो भी कर दीजिएगा। एरिया में तो पूरा धुनी लगा हुआ है यार, कसम से खूब बहुत ठंडा लग रहा है, एकदम हवा जो लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा। देख सकते हैं सामने गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा होगा, पर मेरे सामने आँख के सामने पूरा धुनी लगा हुआ है एकदम,
ठंडी बढ़ चुका है इधर अभी तो टाइम कितना बज रहा है, एक बजने लगा, एक बजे भी धूम ही लगा हुआ है इधर। बाप रे बाप, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है एकदम, धूनी लगा हुआ है। हम देखे सोचे आप लोग को भी दिखा देते हैं, इधर इंडिया तरफ ज़्यादा ठंड होता है नेपाल से। स्कूटी तो चला गया पेट्रोल पंप में फिलअप कराने, पर हम नहीं देखे यार इसमें भी तेल नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, साइन मार रहा है कि आप इसमें तेल नहीं है, इसमें भी फ्यूलअप कराना पड़ेगा कहीं पर। आप यहाँ पर कहीं पर तो शायद ही होगा यहाँ पर पेट्रोल पंप, आप जहाँ पर पेट्रोल पंप देखें इसमें तेल भराना पड़ेगा, वरना कहीं भी रुक सकता है गाड़ी। क्योंकि इसमें पहले फर्स्ट साइन ना पेट्रोल पंप का साइन दिखाता है, तो आप चला सकते गाड़ी उतना में। जब यहाँ पर ये ब्लू ब्लू जो ये साइन ये देना लगता है, तब समझिए इसमें तेल नहीं है, इसमें भराना ही पड़ेगा तेल। तो इसमें उस टाइम तक तो पेट्रोल पंप का साइन दे रहा था, तो हम समझे थोड़ा आगे तक जाके भरा लेंगे। भैया भी उधर गए, रिजर्व में भी एक लीटर होगा इसमें, पर फ्यूल अप कराना ज़रूरी है वरना कहीं पे भी बंद हो सकता है गाड़ी। और यहाँ पर ये एरिया में कौन ही आएगा तेल देने, नेपाल रहता तो ना कोई बात नहीं। और देख सकते इधर सामने पूरा गाँव आ चुका है, बीच बीच में छोटा छोटा गांव आता है, उसके बाद फिर हाईवे, तो अपना आप गाड़ी स्पीड कर सकते हैं, बाइक स्पीड कर सकते हैं। पर जब गांव आता है तो आप लोग बाइक स्लो ही चलाइए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा लोग कितना है, यहाँ पर सब अचानक हाईवे पर आ जाता है, कुदुक जाता है। कितना छोटा छोटा दुकान सब है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब देखिए यहाँ पर से गाँव ख़त्म, अब पूरा हाईवे आ चुका है सामने, पूरा हाईवे। ओ भाई कितना बड़ा ट्रक, कितना बड़ा, बाप रे बाप, कितना हैवी ट्रक को ट्रक लोड किया था। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बॉर्डर साइड, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फिर से आ गया ये बॉर्डर साइड हुआ। अब यहाँ पर से फिर राइट लेकर उसके बाद इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर उसके बाद सीधा नेपाल में हम लोग इंटर कर लेंगे। तो अभी पूरा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आज का मौसम ठीक नहीं है, आज का मौसम धुंधला टाइप है, पूरा फॉग लगा हुआ है। और ये रहा जहाँ से हम लोग इंडिया इंटर किए थे, अब हम लोग नेपाल इंटर कर रहे हैं। तो ये लौखा जगह का नाम लौखा है, चलते हैं आप आगे, उसके बाद इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर फाइनली अपने नेपाल में पहुंच जाएंगे। यार करे क्या रुक गया गाड़ी, हो पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल में ही ऑन होता है, फिर ये ऑन हो गया, ज़्यादा गियर होगा और कम स्पीड इसलिए बंद हुआ होगा गाड़ी। तो फाइनली हम लोग, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का भी शॉपिंग हो चुका है। बोले थे ना इंडिया में यहाँ पर आकर सब सामान सब लेता है, तो केक उक लिए, केक लिए, बिस्कुट लिए सुबह खाने के लिए। ये रहा केक, पूरा एक कार्टून ले लो, हम ले लेंगे, पीछे देते हैं अंकल को। अब निकलते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली अपने इंडिया छोड़कर फाइनली नेपाल में इंटर कर देंगे अब। और ये रहा इंडिया भारत और नेपाल का गेट, और फाइनली हम लोग नेपाल में इंटर कर चुके हैं। वाह का मज़ा आ रहा है यार, नेपाल में इंटर किए, शान ही अलग है। भैया वहाँ पर रुके हुए हैं स्कूटी से, बड़ा बड़ा आगे, टेंशन फ्री आ गए नेपाल में, अब मजा आएगा। केक है धनगढ़ी बाट यता आउनु भो त्यो भन्दा बढी त तपाईको मोटरसाइकलमा तेल खर्च भइसक्यो। हैन म इन्डियाको बिए गर्न लगा दिए, तेल खत्म हुआ नहीं हुआ वो मेरा प्रॉब्लम है ना भाई, ये पुलिस वुलिस क्यों प्रॉब्लम करता है। बोल रहा था कि इतना दूर आए आप लोग बीए में ये केक लिए, उतना का तो आपका तेल ही जल गया होगा, तो मेरा प्रॉब्लम है ना भाई, हम तेल जलाए जहाँ जाए, मेरा मन, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ, ये लोग को इतना टेंशन लेने का क्या बात है। पर कोई बात नहीं, अच्छा से हम लोग बात हो गया और हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पर से ऑफ रोड है, उसके बाद सामने आगे जाकर उसके बाद पूरा हाईवे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं पर ऑफ रोड है, उसके बाद सीधा आप घर, कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। घर जाकर फ्रेश व्रेश होंगे, बहुत ही थके हुए हैं यार, क्योंकि कल पूरा राइड करके, ए बाप रे, पापा तो पूरा बत्तख को तो पिचक दिए,
पंख पर चढ़ गए यार बाइक तो बच गए अभी सब पूरा खानदान का पैसा लेता अभी अभी अगर बत्तख मरता ना पूरा खानदान का पैसा लेता ना अरे बत्तख अगर मरता वो तो पूरा खानदान का पैसा लगता है इसमें मेरा इतना बच्चा होता है इतना अंडा इतना ये सब का पैसा लाओ पर बच गया यार कुछ नहीं हुआ हल्का सा ही चोट लगा है बत्तख को ठीक हो गया हम सब रुक के देखे हम पापा तो आगे निकल गए थे हम रुक के देखे बत्तख अच्छा से सही सलामत था वरना फाइनली गाइस लान पहुंच गए और अब ये वाला रोड छोड़कर सीधा हम लोग हाईवे पर टच करेंगे वहाँ पर बहुत ही ऑफ रोड था पर गड्ढा गड्ढा था और ये हेलमेट भी बहुत हैवी हेलमेट है यार ये एक्सोर का हेलमेट बहुत ज़्यादा हैवी है सर दर्द करने लगा मतलब होगा आधा के जी तो होगा ये हेलमेट यार इतना भारी हेलमेट है ना एक्सोर का हेलमेट ही बहुत भारी होता है तो अभी हम लोग लहान पहुँच गए ये तो लहान से थोड़ा पीछे का एरिया है मतलब आप गाय उधर विराटनगर जाएगा तो उधर का एरिया है आगे जाकर लहान चौक आएगा गोल पार्क तो आगे जाकर आपको दिखाते हैं शायद स्कूल में छुट्टी हुआ है बच्चा लोग देख सकते हैं साइड में सब जा रहे हैं छुट्टी हुआ है शायद अब हम यहाँ से लहान से मेरा घर सिर्फ शायद 10 किलोमीटर होगा उसके बाद 10 किलोमीटर कवर करके फाइनली घर पहुँच जाएंगे उसके बाद रेस्ट करेंगे बहुत थक गए तो कुछ नहीं है बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है बस ये हेलमेट के कारण सर दर्द करने लगा है और गर्दन क्योंकि हेलमेट भारी है ना इसलिए पूरा सर पे वजन पड़ रहा है बहुत अब ये हाईवे से फिर थोड़ा सा यहाँ पर ऑफ रोड है बहुत सालों से ये ऑफ रोड है यार यहाँ पर तो रोड ही नहीं बनता है पर पता नहीं क्यों रोड नहीं बन रहा है अगर लहान का कोई आदमी मेरा ब्लॉग देख रहा है तो कॉमेंट में प्लीज़ बताना ये रोड क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर क्योंकि बहुत पहले से हम यहाँ पर ट्रैवल करते हैं पर ये रोड ऐसे का ऐसे ही है फिर आगे इतना दूर बस उसके बाद फिर आगे हाईवे ही मिल जाएगा आपको देख सकते कितना ऑफ रोड है यहाँ पर लहान में भी बहुत रश होता है गाड़ी का क्योंकि ये बॉर्डर साइड एरिया है ना सीधा बॉर्डर से आता है आदमी तो यही लहाने में टच होता है गाड़ी सब तो अब यहाँ पर पापा पीछे रह गए हम आगे निकल गए क्योंकि इस पापा शायद कोई फ़ोन पे किसी से बात कर रही है देख सकते ये बस सब शायद उधर ही जाएगा बॉर्डर साइड यहाँ पर से उधर धरान इठाड़ी विराटनगर सब गाड़ी सब जाता है इधर से इसलिए बहुत ही रश है गाड़ी का लहान का गोल पार्क वो लहान का गेट और अच्छा यहाँ पर साफ सफाई हो रहा है यार वाह रोड में साफ सफाई हो रहा है बहुत अच्छा है इधर से हम लोग सीधा चले जाएंगे तो धनगढ़ी इधर से सब बहुत उधर से जितना बहुत ज़्यादा इधर से ज़्यादा सब काठमांडू यही है एक रास्ता काठमांडू जाने का तो अभी रात में यहाँ पर नाइट बस सब चलेगा खूब बहुत अभी तो यहाँ पर हाई सब चल रहा है विंगर सब चल रहा है और रश भी बहुत है गाड़ी का क्योंकि रोड बन रहा है ना अभी जब 6 लेन बन जाएगा तब ठीक होगा साइड से रोड बन रहा है बीच में थोड़ा सा गैप है उसी में सब गाड़ी सब चलता है तो बहुत ही रश है यहाँ पर सर बहुत दर्द कर रहा है यार ये हेलमेट के कारण एक्सोर का हेलमेट है मेरा हेलमेट भी हम ऑर्डर किए हैं 2-3 दिन में आ जाएगा हेलमेट शायद 7 या 8 नवंबर को हेलमेट मेरा आ जाएगा उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे एकदम बवाल हेलमेट है सरप्राइज हेलमेट है एकदम आप लोग देखिएगा तो वाह वैसा हेलमेट हमको नहीं लगता किसी के पास है एक पीस होगा सिंगल पीस मेरा हेलमेट वो कंपनी का तो सबके पास है हेलमेट पर वो डिज़ाइन वो ग्राफिक किसी के पास नहीं होगा मैं इतना श्योर बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ही खोजने के बाद वो हेलमेट मुझे मिला और बहुत दिनों बाद ऑर्डर किए तो आने में भी बहुत टाइम लग रहा है कम से कम 10-15 दिन लगा उसमें उसको ऑर्डर करें उसके बाद आने में अभी भी नहीं आया है बहुत दिन पहले हम ऑर्डर किए थे अभी भी नहीं आया 2-3 दिन के बाद आएगा ऑर्डर 2-3 दिन के बाद आएगा हेलमेट तो जाएंगे हेलमेट लाने इंडिया से हम ऑर्डर मंगवाए वो हेलमेट क्योंकि शायद वो नेपाल में नहीं था हम काठमांडू में चेक किए तो नहीं था वो तो इंडिया से हमको मंगाना पड़ा पर कोई बात नहीं सिंगल पीस रहेगा मेरा हेलमेट ये आ गया पूरा अब ऑफ रोड देख सकते हैं पानी पटाया हुआ इसलिए गर्दा नहीं हो रहा है वरना बहुत ही गर्दा उड़ता है यहाँ पर अच्छा हुआ पानी पटा दिया टाइम टाइम में यहाँ पर पानी पटाता है किसी किसी टाइम ट्रक आके पटाता है किसी किसी टाइम ट्रैक्टर पर अच्छा है जी पानी पटा देता है पर पानी जब पटा देता है बहुत ही कीचड़ उड़ता है यार शूज पूरा पैंट पूरा सब गंदा हो जाता है पर एक ये भी डिसएडवांटेज है एक धूल भी नहीं उड़ता है अब सब में आदमी को किसी में सूख नहीं है वही बात है पानी नहीं पटाया तो धूल उड़ेगा पानी पटा दिया तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ पैंट हो जाता है शूज हो जाता है तो अब क्या करें आदमी को किसी चीज़ में सूख नहीं है दुनिया में तो अब धीरे धीरे जा रहे इधर से आप बहुत ऑफ रोड है यार इधर तो कमर में दर्द होने लगेगा और टाइम आपको 2:20 हो गया बाप रे बाप शायद यहाँ पर पानी नहीं पटाया हुआ है यार कितना धूल देख सकते हैं आप लोग पूरा धूल ही धूल हो गया इधर तो देखिए इधर कितना धूल है बाप रे
सारे इधर पानी नहीं पटाया हुआ है, पूरा गोप्रो गंदा हो जाएगा यार। देखिए देखिए ये ट्रक बस जो निकलता है ना साइड से, पूरा धूल धूल उड़ा देता है। अरे बाप रे धूल देखिए रस, देखिए बाप रे बाप कितना है रस, पूरा लाइन से गाड़ी आ रहा है यार, लाइन से पूरा। कोई भी ओवरटेक कर दिया इधर, क्योंकि एकदम कम एरिया है ना यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते पानी भरा रहा है उसमें ट्रक में, उसके बाद पूरा पानी पटाएगा। बहुत धूल उड़ गया, क्या हुआ यहाँ पर, एक्सीडेंट उक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ, कितना जाम लगा हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ कि क्या, कितना जाम है यहाँ पर। अच्छा हाँ, आज गोल जाने में शायद एक प्रिंसिपल डेथ हो गया, हमको सुबह में पता चला। उसके लिए पूरा गाड़ी बंद हो किया हुआ था, तो अभी शायद खुला है पूरा गाड़ी। और जाम देख सकते हैं आप लोग, पूरा एक लेन से पा ट्रक सब, देखिए यहाँ पर बहुत धूल हो रहा है यार। ये साइड रोड बना हुआ है, ये साइड जाते हैं हम लोग, इधर बहुत जाम है और बहुत धूल उड़ा रहा है। बड़ा बड़ा गाड़ी लोग इधर से ही जाते हैं। ये आया रोड बवाल, फाइनली गाइस घर पहुँच गए और शायद गोप्रो ऑफ हो चुका है। और देख सकते पूरा यहाँ पर इतना धूल धूल हो गया पूरा, देख सकते इधर पूरा। और ये जो बोल रहे थे कीचड़ पड़ रहता है पानी पटाने से, देखिए पूरा। तो ये ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने चैनल को। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।